नमस्कार, मैं वर्णिका आपका स्वागत करती हूँ कर्मा आयुर्वेदा के YouTube चैनल पे, जहाँ आप किडनी से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ईजिली पा सकते हैं। GFR का मतलब है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये एक तरह का टेस्ट होता है जो किडनी की कैपेबिलिटी जानने के लिए किया जाता है। ये टेस्ट डायबिटीज से होने वाली किडनी प्रॉब्लम के लिए किया जाता है। साथ ही GFR टेस्ट आपके ब्लड में क्रिएटिनिन लेवल की मात्रा के बारे में भी बताता है। आपकी बॉडी में GFR जितना नीचे गिरता है उतना ही किडनी खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। GFR हेल्दी लोगों में 95 मिलीलीटर पर मिनट और 110 मिलीलीटर पर मिनट के बीच में होता है और ये बढ़ती उम्र के साथ कम होता चला जाता है। इसलिए 40 से ज़्यादा उम्र वाले लोगों की किडनी फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर बात करें एक नॉर्मल GFR की तो वो 60 मिलीलीटर पर मिनट या उससे ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आपका GFR 60 मिलीलीटर पर मिनट से कम है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपकी किडनी सही से काम नहीं कर रही। आपका GFR अगर 15 मिलीलीटर पर मिनट से नीचे है तो डॉक्टर आपको डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट करवाने की सलाह देंगे। इसलिए हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होने की वजह क्या है। फर्स्ट पॉइंट है हाई ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से ब्लड में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने और GFR कम होने लगता है। हाई ब्लड प्रेशर से बहुत सी बीमारियां हो सकती है, तो कोशिश करें कि आप नमक का सेवन कम करें, साथ ही स्ट्रेस भी कम लें। सेकेंड पॉइंट है किडनी में सूजन होना, जिसे हम ग्लोमेरुली कहते हैं। इसमें किडनी में छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं जिससे किडनी में सूजन आ जाती है। ग्लोमेरुली की वजह से हमारे ब्लड में वेस्ट मटेरियल आ जाता है जिससे ग्लोमेरुला फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है। थर्ड पॉइंट है जोड़ों में दर्द या पेट में दर्द जैसी बीमारियों की वजह से किडनी ठीक से काम नहीं कर पाती, इसलिए ग्लोमेरुला फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है किडनी स्टोन, जिससे पेट में दर्द होता है, लेकिन कई बार पेट का दर्द का कारण कुछ और भी हो सकता है। किडनी स्टोन होने की वजह से किडनी अपना फंक्शन सही से नहीं कर पाती, जिस वजह से ब्लड का वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं निकल पाता, और इसका पता लगाने के लिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट टेस्ट कराना पड़ता है। और लास्ट पॉइंट है काफ़ी लंबे टाइम चल रही कोई मेडिसिन जिससे हमारी किडनी पर बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है। बैड इम्पैक्ट मतलब किसी तरह का कोई इन्फेक्शन होना जिसकी वजह से किडनी सही से काम नहीं कर पाती। एक टेस्ट EGFR भी होता है, जिसका मतलब है एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो कि ब्लड में एस्टिमेट रेट बताता है, जबकि GFR एकदम पॉइंट टू पॉइंट रिजल्ट देता है। तो आज हमने आपको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होने के रीजंस के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप कर्मा आयुर्वेदा किडनी सेंटर में भी संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए हमारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, या फिर हमारे फ़ोन नंबर भी स्क्रीन के ऊपर मेंशन है, जिसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ऐसे ही कर्मा आयुर्वेदा के साथ बने। पहले तो आप बहुत अच्छा काम करते हैं आप CRPF में, CRPF के जवान की किडनी का फंक्शन इंप्रूव हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आज आपको एक और पेशेंट से मिलवाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोदी शर्मा है। कहाँ के रहने वाले? कहाँ? MP का। MP जिला? भिंड जिला। जब आए थे अमरदीप, उस समय क्या क्या दिक्कत हो रही थी आपको? दिक्कत ये थी क्रिएटिनिन लेवल कम नहीं हो रहा था। मैं मतलब एलवेरी दवाई ले रहा था एक साल से, तो आराम नहीं हो रहा था। वही 5 के आसपास ही घूम रहा था, 5-6। अभी दिल्ली में आया था, उस टाइम का 7 हो गया था। तो फिर डायलिसिस के लिए बोल दिया था मेरे को कि डायलिसिस कराना है, फैसला बना दिया था। फिर कोई आराम नहीं हो रहा था, तो देखा नहीं यूट्यूब पे, तो फिर आपके पास ही कहीं आता था। पहले और फिजिकली भी काफी दिक्कत थी उस समय, तो खाना नहीं खा पाते थे, जो भी खाते थे ना वोमिटिंग हो जाती थी, वोमिटिंग होती थी। अर्धांगिनी ज्यादा बता पाएंगे, वो ज्यादा आपके अच्छे से गाइड करेंगे। बताए मतलब कुछ भी खाते थे तो तुरंत उल्टी हो जाती थी, या तो दलिया भी देती थी ना तो वो भी उल्टी से उल्टी हो जाती थी। और सिर्फ पचाते थे तो क्या, सिर्फ थोड़ा सा दूध और सेब बस, और कोई चीज नहीं पचा। खाना पीने में सक्षम नहीं थे उस समय, खाना पीना नहीं था। हाँ, कुछ भी नहीं था। अब ये भी जो है कि जो भी सूखा सूखा खा रहे हैं, लेकिन वो कम से कम इन्हें लग रहा है कि हाँ पचा रहे हैं। अब तो इतना मतलब 45 दिन तक तो एक बार ही आ जाती थी खाना खाते थे। जब इनका जब क्रिएटिनिन 4 पॉइंट कितना हो गया, 4.4 हुआ। हाँ, तो उसके बाद इनका मतलब ये जो काई आती थी वो बंद हो गई, मतलब क्रिएटिनिन थोड़ा कम हुआ, साथ साथ सिम्टम्स भी कम होते गए। हाँ,
मतलब अभी 3 महीने पहले तो इनकी बॉडी में यानी ऐसा लगता था कुछ है ही नहीं, मतलब सारे सिस्टम हिल गए थे बिल्कुल, सब चीज बढ़ गई थी, सब बढ़ी हुई, सब बढ़ गई। और डॉक्टर ने भी थोड़ा सा बताया होगा भिंड में, क्या बताया, किडनी बदलवा लो आप, भिंड में नहीं दिल्ली में दिखाया था मैं, उसमें प्राइमस में, मैं डिपार्टमेंट सीआरपीएफ में हूँ, तो यहाँ पे मतलब मेरे को बोला कि यहाँ पे जाओ, तो डिपार्टमेंट की तरफ से ही हो रहा था, तो बोला कि आपको कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपको टेरेसिसिंग कराओ और या फिर किडनी चेक कराओ। पहले तो आप बहुत अच्छा काम करते हैं आप सीआरपीएफ में, सीआरपीएफ के जवान की किडनी का फंक्शन इम्प्रूव हुआ है और बहुत अच्छे रिजल्ट भी उनको नजर आए हैं, और ये क्रिएटिनिन काफी बढ़ गया था उस समय, ट्रांसप्लांट बता दिया था पूरा ट्रांसप्लांट, उसके अलावा मतलब कोई दवाई बताई नहीं रहते, सीधे बोल दिया था कि आप सीधे ट्रांसप्लांट कराइए बस, और मैंने पूछा भी था आपको और कोई ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं। तो ऐसा होता है कि ड्यूटी में और जैसे प्रॉब्लम है थोड़ा सा मैनेज करने में, अभी तो ड्यूटी गए नहीं, मैं 6 महीने ड्यूटी अभी रेस्ट पे ही हूं, रेस्ट ही चल रहा है, रेस्ट ही चल रहा है, पहले श्रीनगर पोस्टेड, हां श्रीनगर, अभी झारखंड रोड के लिए मैं गया नहीं अभी, राइट। बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं, 5.7 क्रिएटिनिन था, डायलिसिस वगैरह बता दिया था, और यूरिया भी बढ़ा हुआ था, ट्रांसप्लांट भी बता दिया था, 5.7 168.83 वाज द यूरिया लेवल। 21 अगस्त 2019 की रिपोर्ट आई, उसके बाद लाल पैच से उन्होंने कराई और ये हुई है लगभग 2 महीने के बाद, नेक्स्ट 1.5 महीने के बाद 4.42 हो गया और 102.8 हो गया, 5.7 से 4.4 हो गया, इस समय आपके सिम्टम्स कम हो गए थे। उसके बाद एक और उन्होंने टेस्ट कराया, 3.75 हो गया इसका क्रिएटिनिन, और यूरिया जो हो गया वो भी रिड्यूस हो गया पहले से। आप देख सकते हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप रिपोर्ट बाय रिपोर्ट क्रिएटिनिन कम होता चला गया और डायलिसिस की स्टेज से ये लोग बाहर आ गए, सीआरपीएफ के जवान बाहर आ गए। भिंड के रहने वाले हैं, अमरदीप शर्मा नाम है, 5.7 से हुआ ये क्रिएटिनिन आपका 4.4, उसके बाद 3.75, तो किस प्रकार से इंप्रूवमेंट आई है आप देख सकते हैं। सैकड़ों हजारों की संख्या में इस तरीके के पेशेंट आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, पहले जूझ रहे थे, धीरे धीरे करके वो बढ़ रही थी, डायलिसिस हो रहा था, ट्रांसप्लांट हो रहा था, डॉक्टर ने बोल दिया था ट्रांसप्लांट कराइए, किडनी ढूंढ लीजिए, डायलिसिस 3 बार हो रहा है सप्ताह में, 2 बार हो रहा है और हॉस्पिटल जा रहे हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लगाए जा रहे हैं, या फिर क्रिएटिनिन बढ़ता चला जा रहा है, डायलिसिस अभी नहीं हुआ है लेकिन अपर ट्रेंड में डॉक्टर ने बोल दिया प्रिपेयर रहिए, फिस्टुला भरवा लीजिए, या इस तरह के अनेकों सैकड़ों तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि आपको भी बोला होगा फिस्टुला बना हुआ है, दिखाइए, फिस्टुला भी बनवा चुके थे, मतलब वो वाली स्टेज पूरी डेवलप बना दिया, अच्छा हॉस्पिटल से कि अब रखना नहीं है हॉस्पिटल में, चलो ऊपर जो होगा देखी जाएगी या तो सब ले जाएगी, लेकिन सर्विस पर ये तो इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए थे, फिर सबने समझाया कि इस्तीफा मत दो, नौकरी तो आपकी हम कोर्ट से ले लेंगे, लेकिन इस्तीफा मत दो, इस्तीफा नहीं दिया तो गवर्नमेंट ने भी साथ दिया हमारा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है बिल्कुल साथ दे रही है, पेमेंट भी दे रही है गवर्नमेंट, उसी से हमारे इलाज चल रहा है, अब आगे जो होगा वो भी देखा, आप लोगों को साथ ही देंगे तो फिर किसका साथ देगी गवर्नमेंट, आप बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स नजर आए और बहुत अच्छे चेंजेस नजर आए, और क्रिएटिनिन भी कम हुआ और सब चीजों में इंप्रूवमेंट भी नजर आई इनको, और 5.7 से लेकर 3.7 तक आ चुका है। आर्म फोर्सेस के लिए ना मैं भी बहुत मतलब एक कह सकते हो कि बहुत एक वो है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत जरूरी है, बहुत वो है, और 5 क्रिएटिनिन भी कम हुआ, यूरिया भी कम हुआ, और फिजिकली भी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट इनको विजिबल हुई है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अमरदीप? मैं ये चाहूँगा कि जो भी मतलब परेशान है तो यहाँ पे आए, मैंने बताया भी था कि दूर हूँ आगरा में, मेरा इलाज जो एलोपैथिक है आगरा में चल रहा है, वहाँ मिले थे मेरे को एक डॉक्टर ही थे वो एलोपैथिक में, उनको बताया था, उनकी बताई भी ज़्यादा खराब थी, उनको मैंने नंबर भी दिया था, यहाँ का नंबर दिया, अपना नंबर दे रखा उनसे, उन्होंने बोला था आऊँगा पर पता नहीं आएगी नहीं आए, मतलब आपने अभी मैसेज क्या देना चाहेंगे क्योंकि आप बहुत तकलीफ में थे उस समय, मतलब सारी चीज़ें ना मतलब उम्मीद नहीं थी, लगता कुछ बीमार आदमी को लगता है कि आयुर्वेदिक पर ट्रस्ट करें, आयुर्वेदिक पर ट्रस्ट करें, आयुर्वेदिक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आपको अनुभव से बता रही है, एक्सपीरियंस हो चुका है आपको, कर्म आयुर्वेदा में जब आप आए उससे पहले का बिफोर एंड आफ्टर का पूरा क्रिएटिनिन किस तरीके से कम हुआ है वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये सभी आप ये बता रहे हैं। तो ये अमरदीप शर्मा जी है जो बहुत गंभीर समस्या से जूझ रहे थे, किडनी फेलियर की प्रॉब्लम, डायलिसिस एडवाइस कर दिया गया था, फिस्टुला इनका ऑलरेडी बना दिया गया था उसने, लेकिन फिस्टुला is of no use now, dialysis is not required, transplant not required, karma ayurveda se unhone treatment shuru karaya aur reports bhi kis prakar se improvement aayi hai wo aap dekh sakte hain, 5.7 se 4 hua fir 3 ki range mein aa gaya, aur aise अनगिनत रिपोर्ट्स होती है हमारे पास, जितने भी पेशेंट आते हैं ना सभी को इम्प्रूवमेंट आती है अगर वो लग के फॉलो करते हैं, सभी की वीडियो हम नहीं बना पाते
क्योंकि किसी की ट्रेन होती है, किसी की फ्लाइट होती है, एंड दे आर गेटिंग लेट। अभी यहाँ पे इनको भी बहुत देर से आपको रोक के रखा हुआ है, तो बहुत देर इनको भी लंबा टाइम हो गया, लेकिन उन्होंने सब चीजें अच्छे से फॉलो करी और बहुत अच्छे इनको रिजल्ट भी नजर आए हैं। स्टॉप किडनी डायलिसिस,